यार नन्हे मेरे सिर में ना बहुत तीखा दर्द हो रहा है यार। मैं तुझे सच बता रहा हूँ कि कल रात ना मैंने बहुत कोशिश की लेकिन छुटकारा नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जान निकल जाएगी यार। मैं भगवान भी ना मतलब अच्छे लोगों को उठाता पहले। तेरी मेरी किचन में ना 100 साल लगे बेटे। एक नंबर के पापी हम लोग। क्या सुन मन्ने, अगर मुझे कुछ हो गया तो तू इस कोठी पे यार पूरी तरह से कब्जा मत कर ली हो। देख देख मेरी बीवी और मेरी बेटी भी। मैं ज्यादा बकवास पेलेगा बेटे तो पेल दूं, यहां बता रहा हूं। तेरे सर के अंदर भूसा घुस गया है, बातें कर रहा है। अबे तुझे अगर कुछ हो जाएगा ना लोंडे तो लड़ूंगा किससे बेटे। यार तू मेरी बात तो समझ। मैं सुननी नहीं है तेरी बात, सुननी नहीं है। हेलो क्या हुआ भैया, कहाँ देख रहे हो? जी वो मिस्टर जितेन जी ने मुझे कुछ समय पहले कैमरे दिए थे कि उससे कुछ फुटेज मिल जाती है तो। अरे अरे आप तो हुई है ना जो उस दिन आए थे। जब मैं पिछले बार यहाँ से जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। खैर छोड़िए, जो कैमरे दिए थे तो जो उससे फीड मिली है वो तो खराब हो गई है, बाकी कैमरे हो गए, लेकिन एक कैमरे से फीड अच्छी मिली। शायद उससे कुछ हो जाए। ये मिस्टर जितेन जी को देनी थी। अब मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कुछ कैमरे दिए गए थे, उसमें से एक कैमरे की कुछ फुटेज मिली। सिपे, तू ये कपड़े पहन के घर में क्यों घूम रहे थे? कि मैं नहीं हुई डेट। इसका मतलब समझ रही है तू? इसका मतलब ये मेरी और वो शैतानी शक्ति, उसकी शक्ल मुझसे मिलती है। सेम टू सेम यू मम्मी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू इस कोठी पे यार पूरी तरह से कब्जा मत कर ली हो। दीदी को थोड़ा घुमा फिरा के ही समझाना पड़ेगा कि जल्दी जी जो है आजकल अलग ही गली में घुसे जा रहे हैं। सीधे सीधे बोला तो कहीं दीदी का दिल ना टूट जाए। दीदी सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया, सब्जी बन रही है। ऐसी ही सब्जी बननी चाहिए बढ़िया सी। हाँ नहीं, चाहे वो सब्जी कढ़ाई में बन रही हो चाहे जिंदगी की सब्जी हो, बढ़िया बननी चाहिए, बस जलनी नहीं चाहिए। मैं जानबूझ के अपनी सब्जी क्यों जलाऊंगी भला? नहीं मेरे कहने का मतलब है कि जो जिंदगी की सब्जी होती है ना दीदी, कई बार जब जलती है ना तो पूरी राख होने के बाद ही उसके जलने की बदबू आती है। आप सीधे सीधे बोलो ना क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है सीधे सीधे सुनिए, जल्दी जी जो है ना आजकल अलग ही ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं मतलब वो जो है अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। और ये आपसे किसने कहा? नानू कह रहे थे, ये कह रहे थे कि जल्दी जी ना उल्टी सीधी बातें करने लग गए हैं। क्या मतलब ये किसी और के चक्कर में पड़े? नो 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 नो, वैसे उल्टी सीधी नहीं, वो मरने की बातें कर रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। आप जरा उनसे पूछे ना उन्हें हुआ क्या है, कहीं देर ना हो जाए दीदी। यार ये दर्द कम ना हो रहा। जल्दू कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही है। ओफो, पहले देख तो लो। हाँ देख लिया। क्या देख लिया? तुम तो नीचे अपने राव की किताब को ताड़े जा रहे हो, गर्दन उठा के मेरी तरफ तो देखो। क्या करूँगा गर्दन उठा के देख के, इतने सालों से देख तो रहा हूँ तुझे। हाँ पता है कैसे देख रहे हो, एक आँख से देखते हो दूसरी आँख से मिटा देते हो। अरे बालों क्या करवा लिया तूने, बस गुजर गई क्या इसके ऊपर से? बड़े सूखे इंसान हो, अभी अभी करवा के आ रही हूँ सीपी से, अच्छे नहीं लगे तुम्हें? हाँ मतलब ठीक है, जा अब तू जा, मैं राहु दशा पढ़ रहा हूँ अपनी, जा। तो मेरा भी पढ़ लो, देखो कहीं कुछ दिन में तलाक तो नहीं होने वाले।
अरे सुन, आ जा। झगड़ा अभी मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं। देखो बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरे बुलाने पर यहाँ आए। तेरा धन्यवाद गया तेल लेने। हेलो हेलो, ये क्या, ये ज्यादा ना मेरे साथ फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं चंद्रप्रभा को मयूरी दीदी के लिए ही आजाद कराना चाहता हूँ। क्या यार, क्या मतलब, क्या जिंदगी यार, मतलब रोज एक नई जलेबी तल के आती है मेरे सामने। मेरी बात मान लो तुम, चंद्रप्रभा को आजाद करने दो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। एक इंसान जो दो बार मेरे घर में घुसने की कोशिश कर चुका है, हाँ, उसको उसके ऊपर भरोसा कर लूँ मैं? मैं जानता हूँ कि तुम वो मोर के निशान वाले आदमी को ढूंढ रहे हो। मैं वहां तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चंद्रप्रभा तो... हाँ हम, क्या लगा था तुझे कि तू हमें जिंदगी भर उस कमरे में बंद रख सकता है? सीबी, देख मजाक मत कर। सीपी क्या पहना है तूने? सीपी, I can't read. इतली, इतली, तू ठीक है? सीपी नहीं है, ये सीपी नहीं है। देखो मुझे नहीं पता कि तुम अंदर उस कमरे से सब कुछ देख सकती हो या नहीं, लेकिन मेरा भरोसा करो, तुम्हारी कही हुई हर बात मैंने मानी। झूठ, तूने हमारी कोई बात नहीं मानी है। देखो मुझे अपनी जान की इतनी परवाह नहीं, लेकिन मैं सीपी को कुछ होने नहीं दे सकता। प्लीज 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 चली जाओ, प्लीज 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 चली जाओ। सब चीजें क्यों? सीपी, मैंने वो उसका भेस बना के तेरे मुझे सच्चाई जाननी चाहिए। सब खराब हो गया यार, क्या किया तुमने? क्या करा? सच्ची तो जाना है मैंने। अब वो श्राप असर दिखाएगा। हमेशा हम इस डर में जीते रहेंगे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। सारी मेहनत बेकार हो गई यार। जीजा, यार जीजा, ये मुंह गुब्बारे की तरह फुला के ऐसे मुंह मोड़ लेने से कुछ होने नहीं वाला है। सब तेरी वजह से हुआ है। इसमें मैंने क्या किया है? चुपचाप से कोई बात सुन नहीं सकती तू? क्या जरूरत थी ये चंद्र प्रभावन करके ये नाटक करने की? अरे तुम, मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ यार, सब कुछ बोल दिया तेरे सामने। प्यार की बात करती है, प्यार का मतलब ही जानती है तू? प्यार के लिए सबसे जरूरी चीज होता है भरोसा, जो तुझे मुझ पर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। बहुत गलत काम किया तूने। सीपी, अच्छा I'm sorry, सीपी, सीपी, अरे ये, सीपी, अरे मेरी बात सुन, I'm sorry, सीपी, सीपी। डॉक्टर साहब, घबराने वाली कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मेरी फीस कमी है, घबराइए मत। नहीं नहीं, झल्लो का मतलब है कि मतलब लोंडे को जो चोट लगी है उस चोट से कुछ घबराने वाली बात तो नहीं? हाँ हाँ, मैंने अच्छे से चेक तो कर लिया है ना, बस सर पे थोड़ी सी चोट लगी है जिसकी वजह से बेहोश हुए हैं। मैंने इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ी देर में होश आ जाना चाहिए। हाँ, ठीक, फिलहाल इन्हें आराम की जरूरत है। ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं,
इसे मंगवा लीजिए। आइए डॉक्टर साहब। मेरा बच्चा क्या कर रही है? अभी बोल गया, इसको आराम करने दे यार, चल तू चला जा। मैंने दवाई तू आया, मैं लाम दवाई ला रहा हूँ, चल चल चल। मैंने वादा किया था ना तुझसे कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, और ये देख तुझे मेरी वजह से इतनी चोट आ गई, इतना तकलीफ में है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शायद ये बड़ा खतरा आने का इशारा है, या फिर I don't know कि मैं तुझे कैसे बचाऊंगी, अपने प्यार को कैसे बचाऊंगी। तू जल्दी ठीक हो जा। मारूंगी तुझे। टेंशन मत लो, भगवान ने चाहा तो एक दिन वैसा भी हो जाएगा और आप दोनों पकड़े जाओगे। ऊपर वाला हर सच्ची कहानी में पंगा करता है ताकि उसे महान बना सके। एक बात बता गुल्लू, तुझे क्या लगता है चीजों मेरी लव स्टोरी सक्सेसफुल होगी या फिर? सिप मैडम, मुझे आपके प्यार की ताकत पे पूरा भरोसा है, जीजा को कुछ नहीं होने देगी। किसके प्यार की ताकत में? तू यहाँ क्या कर रही बेटे? वो मुझे गुल्लू गुल्लू बुला के लाया, वो बोला कि देखो जीजा सोते हुए कितना कार्टून जैसा लगता है वो। हाँ, लेकिन कुछ प्यार की ताकत की बात हो रही थी, मतलब क्या प्यार की ताकत? वो तो हाँ, गुल्लू कह रहा था कि आंटी और आपके प्यार की ताकत की वजह से इसको कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक है? हाँ बात तो ठीक है यार, सही बोल लिया छर्रा मेरा। अबे जल्ले मेरे प्यार की ताकत मेरे लौंडे को छोड़ नहीं देगी बेटे। अबे लौंडे मेरा गोल्डन शेर है, बता रहा हूँ मैं। सुन यार, वो डॉक्टर ने बोला कि कुछ आंटी की बाइट लानी है, कैसे लानी है यार, समझ नहीं आ रहा है कौन सी वाली है। एंटीबायोटिक लिखा है अंकल जी, वो एंटीबायोटिक। हाँ, एंटीबायोटिक देते हैं ना आज। तो समझ नहीं आ रहा है ये श्राप का क्या तोड़। मिल गया तरीका, श्राप के बारे में जीजा को किसने बताया? चंद्रशेखर ने, चंद्रप्रभा नाम है उसका। हाँ चंद्रप्रभा, हाँ हाँ। नहीं 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 सीपी, बिल्कुल नहीं। देखो राज के बारे में उसने ही बताया है, और अब मुझे चंद्रप्रभा से मिलना पड़ेगा राज के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उसे ही पता है सब। सीपी तू सुन रही है तो क्या बोल रही है? ये बहुत खतरनाक है, यू कांट डू दिस। मुझे खतरा उठाना पड़ेगा अपने प्यार के लिए, और वैसे भी मरने ही वाली हूँ ना, तो देखी जाएगी। अरे यार ये मेरे माँ बाप, अगर ये घर में रहना उस वक्त तो मैं उस कमरे में नहीं जा पाऊंगी, इन्हें कहीं बाहर भेजना पड़ेगा, वरना ये मुझे कुछ नहीं करने देंगे। अरे यार सीपी बैड आइडिया, आई नो बट आई हैव टू। अरे यार ये बता कि ये सर का दर्द मिटाने के लिए गंदे नाली का पानी पीना पड़ेगा क्या? अरे ये काढ़ा है सर दर्द के लिए, मैंने बनाया है, याद है शादी के बाद ऐसे ही सरदर्द हुआ था तुम्हें, और मैं ऐसे ही काढ़ा बना के लाई थी, तब तो बड़े खुश हुए थे। बीवी शादी के 6 महीने तक अगर जहर भी पिलाए ना तो भी गन्ने का जूस लगता है। अच्छा अब मैं पुरानी हो गई तो जहर हो गया ये? अरे यार तुम एक बार की बात क्यों कर रही है, पुरानी हो गई या वो हो गई? मैं एक बात कह रहा हूँ तुझे अच्छी तरह से। नहीं तो क्यों बोल रहे हो, ये बात कर क्यों रहे हो तुम? यार मेरा मैंने तो कभी नहीं बोला तुमसे। अरे तूने नहीं बोला था, मैंने बोला यार, मुझे पता था कि आप लोग ना ऐसे ही सींग लड़ा रहे होंगे। सियापे है बाय गॉड, यानी कि मेरे घर में भी वही होने वाला जो रजनी के साथ हुआ था। तो क्या हुआ? रजनी के माँ बाप यूं ही लड़ते थे, और एक दिन इतना लड़े कि उसकी माँ गुस्से में घर छोड़ के चली गई, और बाप ने तुरंत दूसरी शादी कर ली।
तू टेंशन मत ले बेटा, तेरी माँ जो है गुस्से में कहीं ना बाहर जाने वाली। ये बोल दिया कि तेरी माँ कहीं नहीं जाने वाली है, ये ना बोला गया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। I have these two tickets. कितने बजे का शो है बेटा? देख लीजिए ना। उस तस्वीर में हम हैं, तो आखिर मुलाकात हो ही गई हमारी। जिंदा रहना चाहती हो तो छोड़ दो उस मोहब्बत को, जाओ अपने माँ बाप के साथ जियो, उनके लिए जियो। सिर्फ दो बातें हो सकती हैं, या तो मैं ऐसे ही डर डर के मरने का इंतजार करूं, मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाए, या मैं इस श्राप का सामना करूं और इस श्राप को तोड़ दूं और जीजा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूं। इतना आसान नहीं होगा इस श्राप को खत्म करना। नामुमकिन तो नहीं होगा ना, आप मुझे इस श्राप का ना तोड़ बता दीजिए, मुझे बचा लीजिए प्लीज। हाँ, हम बचाएंगे तुम्हें, लेकिन हमारी एक शर्त है। मैं कोई भी शर्त मान लूंगी आपकी, प्लीज। पहले तुम हमें इस कमरे से आजादी दे दो और फिर हम सब तुम्हें बताएंगे। करोगी ना आजाद, निकालोगी ना वो कील, श्राप का तोड़। हमने कहा ना, बाहर आके हम सब बताएंगे तुम्हें, तुम निश्चिंत रहो, हमें बाहर आने दो पहले। वाकई में अगर तुम्हें हमारी चिंता होती तो तुम अंदर ही सच बता देती ना। सच तो ये है कि तुम्हें श्राप का तोड़ पता ही नहीं है। आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं। देखो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, अगर उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं बुरा इंसान हूं तो तुम जिसको चाहे बुला लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कौन हो तुम, क्यों आए हो यहां? मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। कैसी मदद? देखिए, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप लोग उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसके शरीर में मोर का निशान बना है। मैं वहां तक पहुंचा सकता हूं आपको, बस मैं बदले में चंद्रप्रभा से मिलना चाहता हूं। नहीं, एक मिनट, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या? मुझे तुम 3 दिन दोगे, इन 3 दिनों में मैं चंद्रप्रभा का ये चक्रव्यूह तोड़ूंगी,
तीन दिन इंतजार करता हूँ। अरे सीपी बेटा कहाँ रह गई तू, सर फटा जा रहा है दर्द से। आ गई। बस दो मिनट दीजिए, मैं यूं दर्द आपका फुर कर दूंगी। ओहो। अरे बेटा ये दो मिनट में फुर होने वाला दर्द नहीं है बेटा, तुझे पता है सिर में पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोई तस्वीर टांगने के लिए ना सिर में कील ऐसा ऐसा ठोक रहा हो। पापा मैं कह रही हूँ ना, हाँ दर्द ठीक नहीं हुआ तो लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास शाम तक। ओके हाँ चल कर। हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है बेटा। रियली? हाँ पापा को पता जब मैं छोटी सी थी और मम्मी ऐसी आपकी चंपी किया करती थी, सर दबाया करती थी, फिर एंड में आप ना मुझसे बोलते थे कि तू भी दो हाथ मार दे, और झूठी मूठी भी बोलते थे कि अब जाके मजा आया है ना। हाँ बेटा तब तो मैं झूठ बोलता था, लेकिन तुझे सच बताऊं आज सचमुच बहुत आराम मिल रहा है तू जब ये हाथ लगा रही है ना मेरे सिर में। अच्छा जी फिर तो मोटी रकम लूंगी। अच्छा 50 ग्राम तेल खर्च करके पूरी जायदाद अपने नाम कराना चाह रही है तू? अरे तेल की नहीं हाथों की कीमत बोल रही हूँ मैं। पापा क्या गरम गरम है? कहाँ? सर में। हाँ सर में, मैंने मोमबत्ती जला रखी है सर में। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ है। एक सेकंड कुछ है। पापा आपके सर में मोर मोर के टैटू है। क्या टैटू? आपके सर में मोर मोर। मेरे सर में? अरे मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। अरे ऐसे कैसे नहीं पता चला? अरे आपकी मम्मी ने कभी बताया होगा ना आपके सर में मोर? अरे बेटा मुझे तो कभी ना पता चला कि मेरे सर पे मोर नाच रहे हैं। अब तुझे तुझे तो पता ना होगा, लेकिन सुन बचपन में ना मेरा मुंडन नहीं हुआ था तो मेरे बाल इतने घने थे बहुत घने थे, बहुत 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 ज्यादा घने थे, तो क्या कभी किसी की नजर ना पड़ी इस पे? लेकिन मेरे सिर पर मोर क्यों नाचेंगे भाई? सुन ऐसा है मोर का निशान होगा। नहीं निशान नहीं है, टैटू है प्रॉपर। अच्छा बाबा चल टैटू है मोर का, मोर नाच रहे हैं, चल ठीक है। लेकिन तू इतनी खुश क्यों हो रही है बता दे? क्योंकि पापा ये जो है ना ये... नहीं जब तक ये बात साफ नहीं हो जाती पापा को कुछ नहीं बताना है, वरना पापा चिंता करेंगे। और भी लोंडे क्या चल रहा है? बढ़िया सर पापा, फर्स्ट क्लास। बड़े से मैंने कहा था कि अगर तेरे दिल में कोई लड़की वड़की है तो बता देना। कहा तो था। गुड गुड। मैंने ये भी कहा था कि अगर वो बेटी किसी दुश्मन उस्मन की ना बेटे, कहा था नहीं? हाँ ना हाँ कहा था, लेकिन क्लियर नहीं हुआ था। अभी करता हूँ क्लियर। मैंने ये भी कहा था कि अगर तूने ऐसी कुछ हरकत की मैं तेरे टखने तोड़ दूंगा। बेटे आज वो दिन आ गया कि मैं तेरे टखने तोड़ दूं। कैसी बातें कर रही हो पापा? बेटे वही बातें कर रही हैं जो मैंने देखा है। अबे पूरी दुनिया में तो ये जल्दी राम की बेटी मिली थी चौंच लड़ाने के लिए लौंडे। अब आप मुझे गलत समझ रही हो। अच्छा हम गलत समझ रहे हैं है ना, और जो जीने के नीचे तो जो जो उसको तू गले लगा रहा है वो क्या था? ओ, अरे वो ड्रामा कर रही थे। अबे कितने ड्रामे चलने इस मोहल्ले में यार। नहीं पापा ये जो है ना ये वो वाला ड्रामा नहीं, ये तो मैं प्यार का ड्रामा कर रही था, आपको गर्व होगा ये सुन के। एक्चुअली मैं इस हवेली को हासिल करने के लिए ये सारा ड्रामा खेल लिया हूँ। ड्रामा? सीपी का दिल टूट जाएगा ये सुन के। सीपी को अपने प्यार के जाल में फंसा करके पूरी मैंने अपने नाम करना चाह रही था। सीपी जीजा तेरे साथ प्यार का नाटक कर रहा है, मैं अभी उसकी और नन्हे अंकल की बात सुन के आ रही हूँ। वो उससे पूछ रहे थे कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, बिकॉज आई थिंक उन्होंने तुम्हें हक करते हुए देख लिया। एंड उसने पता है क्या बोला? उसने कहा कि वो तेरे साथ सत्य कोठी हत्याने के लिए। थोड़ा कॉन्फिडेंट रखो अपने ऊपर। कॉन्फिडेंस तो है बेटे, अब दिल कर रही है कि विश्वास करो अपने प्यार की ताकत पर।
कौन सा पैर? कौन से पैर की ताकत? अरे वो सीवी, मैं गुल्लू को बता रहा था अपने प्यार के बारे में कि अब दिल करता है कि विश्वास करूं अपने प्यार की ताकत पर और मरते दम तक। सीवी क्या कह रहा था नन्हे अंकल से? उसने सब सुन लिया, उसने मुझे सब बता दिया है। आई नो एवरीथिंग नाउ। अरे यार गुल्लू, हाँ मुझे बुला रहे हो? कोई आवाज दे रहा है? आ रहा हूँ जस्ट कमिंग। कौन सर क्या बताएगा? तू बताएगा ना मुझे? सिवी देख, इतना गंदा गेम खेल रहा था तू। आई जस्ट वांट टू लीव। प्लीज मुझे जाने दे, मुझे भी आपसे जाने दे। प्लीज मेरे अंदर एनर्जी नहीं है तेरी और बकवास करने की। लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हुई ना सिवी। तेरी बात क्या पूरी होगी? तू सुन तो ले मेरी बात। क्या सुनू? तूने दिखा दिया ना कि तू कौन है हैसियत में। ये सब नाटक खत्म कर, क्योंकि मैं थक गई हूँ तेरे इस नाटक से। अब मुझे यहाँ से जाने दे। और मैं तुझसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जितना मैंने प्यार किया ना उससे कहीं ज्यादा तुझसे नफरत करती हूँ मैं। आई हेट यू। एवर फॉलो मी। बस जो हम चाहते थे वो हो ही गया। ये दोनों अब कभी एक नहीं होंगे। कटवाए ना? अरे नहीं उल्लू, वो तो बस तू जानता है लड़का लड़की में कहा सुनी हुई। फिर उसने मुझसे कहा कि थोड़ा समय चाहिए मुझे। मैंने उससे कहा कि तू ले समय ले, ऐसे जख्मों को तो यार वक्त भर ही देता है, भर देगा। ये फालतू ज्ञान मत पेलो मुझे, ऐसे नहीं मानने वाली वो। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब पाप किए तुमने तो भुगतना तो पड़ेगा। पाप? मैंने पाप किया है? प्यार करना पाप हो गया क्या आजकल? नहीं, प्यार तो तुम अब कर रही हो ना। पहले जो तुमने अपना काइयापना दिखाया है कोठी हड़पने के लिए, वो पापी आदमी हो तुम। तुम माफी मांग लो तो हो सकता है 2-2.5 महीने में मान जाए। गारंटी नहीं है मतलब। तुझे बड़ा डिटेल में पता है बेटे, बड़ा अनुभव है तुझे। तूने उससे भी हुआ था क्या? मतलब पाप तूने भी किए हैं? नहीं, इस किया है। घाटी साथ भी हूँ मैं। और जहाँ तक रही बात पाप की, तो मैंने ना बहुत किताबें पढ़ी, बहुत सारी, बहुत ज्ञान है मेरे पास। क्या लिखा था उसमें? किताबों में क्या पढ़ा? या तुम जाके माफी मांगो जाओ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.